दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि बिहार इतना पीछे क्यों रह गया, बिहार को इतना पिछड़ने का कारण क्या है। तो दोस्तों, आइए इस सिलसिले में बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, मैंने बिहार को इतना पीछे रहने का कारण देखा और समझा। हालांकि बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे मैंने गया और देखा, और देखने के बाद मैंने अपने दिमाग से समझा, अपने सोच और विचार से समझा कि बिहार में दोस्तों, बिहार सोच लीजिए कि 1967 में बिहार सबसे एक नंबर पे था, बिहार राज्य सबसे एक नंबर पे था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नीचे गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीचे गिरते गया, क्या कारण हो गया? तो दोस्तों, मैंने बहुत पीछे के समय में जाकर के देखा कि लोग यहाँ पे क्या करते थे, आखिर पीछे होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे पीछे होने का कारण जानते हैं क्या है? दबंगई, लफंगई, गुंडई बिहार में सबसे ज्यादा है दोस्तों। ये तीन चीज, दबंगई, लफंगई, गुंडई, ये तीन चीज बहुत ही ज्यादा है। और ये तीन चीज जहाँ पे ज्यादा रहेगी, उस जगह का कभी विकास नहीं होने वाला है। कहीं भी, किसी भी जगह पे, कोई भी जगह पे, अगर बिहार में कहीं भी कोई फैक्ट्री बैठने लगे तो दबंगों और लफंगों की कमी नहीं होगी कि हमें इतना पैसा दोगे तब यहाँ पे कंपनी बैठने दूंगा, हमें इतना पैसा दोगे तब यहाँ पे मजदूरों को मैं काम करने दूंगा। और सोचिए, जिस जगह पे इस तरह की हालात होगी, उस जगह का क्या विकास होगा? कंपनी का क्या है, आप हमें बिहार में नहीं बैठने दोगे, जाके वो राजस्थान में बैठा लेगी कंपनी। अब सोचिए कि बिहार में जितना उसको ये मटेरियल लाने में जितना उसको समस्या झेलना पड़ता, उतना राजस्थान में भी झेलना पड़ेगा, तो राजस्थान में जाके क्यों नहीं बैठाएगा? क्या जरूरत है उसको, क्या मतलब है कि आपकी वो रंगदारी, आपकी दबंगई, आपकी गुंडई वो झेल कोई कंपनी? दोस्तों, ये चीज मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं आप लोग को, क्योंकि हमारे क्षेत्र में भी, हमारे पास में भी एक कंपनी थी बहुत पुरानी, जो कि आज लोग बताते हैं तो हम सुनते हैं, और लोगों के बताने के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो क्षेत्र में एक, हमारे क्षेत्र में एक कंपनी थी, सीमेंट की जो पत्थर थी, उस पत्थर को निकालने की कंपनी थी, और वो पत्थर किसी दूसरे जगह पे जाता था, जाकर के वहां पे फिर इसका फैक्ट्री में जाकर के फिर सीमेंट बनता था। तो जहां से पत्थर निकाला जाता था वहां पे, उस जगह पे, उस खदान में, बता रहा हूं दोस्तों, उस खदान में क्या होता था, इतना रंगदारी, इतना दबंगई था कि कहने लायक नहीं, कितना दबंगई था। लोग बताते हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो लोग काम भी नहीं करते थे, उनकी हाजिरी बनती थी, वो अपनी रंगदारी, अपनी दबंगई, अपनी गुंडई से वो हाजिरी बनवाते थे। तो दोस्तों, सोचिए उस समय में शायद कंपनी के पास आज जितना टेक्निक है, आज के समय में जितना लोगों के पास, कंपनी के पास जितना टेक्निक है, या वर्करों को कंट्रोल करने का नियम रूल है, शायद उस समय में इतना नहीं होता होगा, या इतना नहीं था, तब मजबूरन उस कंपनी को यहाँ से छोड़ करके भागना पड़ा।
सोचिए, जिस कंपनी का काम 2 रुपए का हो और उस कंपनी में लेबर का पेमेंट बन रहा है 3 रुपए या 2.5 रुपए, तो बताइए वो 50 पैसा अपने घर से कहाँ से देगा। वो कोई भी इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, काम करता है तो मुनाफा के लिए ही काम करता है, फायदा के लिए ही काम करता है, ना कि वो अपने घर से डुबाने के लिए काम करता है। और उस कंपनी के साथ यही हुआ, तब जा करके उसने यहाँ से छोड़ करके चला गया, कंपनी पूरा बंद कर दिया। दोस्तों हर जगह कहीं भी जाइए बिहार में, कहीं भी किसी भी जगह पे जाइए बिहार में, आपको ये चीज़ ज़्यादा मिलेगा। यहीं पे अभी फिलहाल में पास ही में 2 कंपनी बैठा हुआ है, उस कंपनी के बारे में सुनने के लिए ऐसा ऐसा मिलेगा कि लोग पैसा लेते हैं आपसे, 20,000 रुपया लेंगे, 6 महीना के लिए आपको कंपनी में दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाके बैठेंगे नहीं, ये नहीं कि आप जाके वहाँ पे ये पेन चलाएंगे, लेबर के काम करने के लिए 20,000 रुपये आपसे लेंगे, उसके बाद कंपनी में एंट्री होगा। अब सोचिए आप कमाइए खुद से, फिर उन लोगों को पैसा देने की क्या ज़रूरत। लेकिन पैसा नहीं दीजिएगा तो काम नहीं लेगा। और कौन इंसान चाहता है अपने घर से इतना दूर जाना, गुजरात जाना, मुंबई जाना, तमिलनाडु जाना, कौन इंसान चाहता है? कोई इंसान नहीं चाहता, लेकिन जो भी इंसान जाता है उसकी खुद की मजबूरी होती है। अगर जाएगा नहीं तो उसके पास पैसा कहाँ से है? जब पैसा आएगा नहीं, ना तो घर चलेगा, ना उसकी स्थिति चलेगी। तो दोस्तों बिहार का पिछड़ने का कारण यही है, लेकिन फिर भी आज के समय में भी लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि पिछड़ने का क्या कारण है। आज भी बैठेगा तो सोचिए आज भी वैसा ही होता है, और ये स्थिति जब तक रहेगा तब तक बिहार कभी आगे नहीं बढ़ने वाला है। अपनी विकास के लिए खुद का सामान भी देना पड़ता है और खुद का जमीन भी देना पड़ता है, किसी को बसाया जाता है, उसके बाद तब उससे फायदा लिया जाता है। यहाँ तो किसी के बसने से पहले ही फायदा की सोच लोग रख लेते हैं, सोच लेते हैं, अभी वो बसा नहीं कि उसके बारे में सोच लिए कि हमें कैसे इससे फायदा लेना है, इस इंसान से हमें कैसे फायदा खींचना है या कैसे फायदा होगा। सबसे ज्यादा पिछड़ने का कारण यही है। एक नंबर और दूसरी नंबर क्या है, शिक्षा का जो व्यवस्था है ना, शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है। बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है शिक्षा व्यवस्था। बहुत से ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो 10 क्लास का एग्जाम दे देंगे, 10 क्लास का परीक्षा दे देंगे, लेकिन उनको 10 क्लास का जो 10 क्लास के क्लास में जो पढ़ाया जाता है उनको वो भी नहीं पता होता, और वो भी नहीं बता पाते। हालांकि इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है, चाहे ये वास्तविकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा IAS IPS बिहार से ही निकलते हैं। निकलने का कारण भी बन जाता है ना कि यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो IAS IPS के रास्ते में जाएंगे ही जाएंगे। अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता तो लोग नहीं जाते IAS IPS के रास्ते में इतना, लेकिन कुछ और है नहीं, बिहार का स्थिति वैसे ही डगमगाडोल है। करेंगे तो क्या करेंगे, बिहार पुलिस में वैसे ही नौकरी की डगमगाडोल है, बिहार के हर क्षेत्र में डगमगाडोल है, हर क्षेत्र की स्थिति में डगमगाडोल है दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन बचता है, चलो IPS IAS की तैयारी कर लेते हैं, UPSC की तैयारी कर लेते हैं। अब ऊपर वाले के हिसाब से जो ऊपर वाले ने नवाजेगा वो बनेंगे। तो दोस्तों बिहार के पिछड़ने का कारण यहाँ भी
शिक्षा व्यवस्था भी है। अगर शिक्षा व्यवस्था इतना लूज होगा जिस राज्य में, वो राज्य पीछे होगा ही होगा। और शिक्षा व्यवस्था होने के बाद ही तभी किसी इंसान को समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और पहला नंबर जो बताया था मैं आपको कि दबंगई गुंडई लफंगई, ये चीज़ तो सबसे ज़्यादा है, ये चीज़ पहला नंबर दबंगई लफंगई गुंडई, दूसरा नंबर शिक्षा व्यवस्था। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।